विश्व हिंदू परिषद का 58वां स्थापना दिवस सरस्वती उच्चतर विद्यालय निराला नगर रीवा में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। नगर मंत्री सुमित डिगवानी ने बताया कि यह कार्यक्रम सरस्वती विद्यालय निराला नगर के रोशनलाल सक्सेना सभागार में मनाया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय सहमंत्री गौरक्षा विभाग लाल बहादुर सिंह व जिलाध्यक्ष मनीष भार्गव को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। विहिप मातृशक्ति द्वारा भजन गीत व स्वागत गीत गाकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तत्पश्चात दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने श्री कृष्ण बाल लीला व रामलीला की प्रस्तुति की। अपनी स्थापना के 58 वर्ष पूरे होने पर संगठन पूरे देश में तमाम धार्मिक और सामाजिक कार्यक्रम चला रहा है। विहिप एक हिंदुवादी संगठन है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी हुई एक धार्मिक शाखा है। विहिप का पहचान चिन्ह बरगद है। स्थापना दिवस की इस आयोजन में प्रांत विभाग जिला प्रखंड व खंड के निवासरत विहिप बजरंग दल मातृशक्ति व दुर्गा वाहिनी के कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि बरछी ढाल की पाण कटारी इसकी यही सहेली थी। अटल जी ने क्या कहा कि यही आप कृष्ण बल के उपजी जिसके कारण कर की लड़िया और पग की कड़िया चट 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 टुक पर सर्वे भवंतु सुखिनः। लेकिन विश्व हिंदू परिषद के पूर्व हमारी स्थिति किस तरह से थी वो बड़ा बोलने में हिम्मत करनी पड़ती है कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना का भाव मनीषियों के पास रहा होगा जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद का संगठन का प्रादुर्भाव किया, स्थापना किया, उनके मन में रहा होगा। लेकिन इसकी शुरुआत भारतवर्ष के किसी व्यक्ति के कारण नहीं हुई है, कारण दूसरे देश के लोगों का बना है। और वो कौन थे? त्रिनिदाद एक देश है, कैरेबियन देश है, उसके राष्ट्रपति थे शंभू दयाल कपिल देव। वो 60 के दशक में भारत आए थे, शासकीय यात्रा पर आए थे। उस समय अपने देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अपने राजकीय कार्यों के बीच में कपिल देव जी ने एक विषय रखा उनके सामने कि पूरी दुनिया के हिंदू हिंदुस्तान की ओर टकटकी लगा करके देख रहे हैं कि कब इस हिंदू समाज की समस्याओं का निदान के लिए हिंदुस्तान आगे आएगा।